रिश्तो मीट एक कॉन्फ्रेंस रूम जिते छोकरे छोकरी के एक बेसा मिलाइंड है या कची मिसरी जेड़ा फंक्शंस तमा करे सको था वो भी बिल्कुल फ्री में कोई भले तमा rishto.com में मेंबरशिप वर्ती हुजे या न रिश्तो मीट फॉर योर परफेक्ट मैच। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्विचिंग स्टेशन के खिलाफ हम नहीं हैं। मैंने अभी 34 नगर सेवकों का सिग्नेचर करके प्रस्ताव सूचना दिया है, उसमें ये मांगनी की है कि हम दूसरे 7 प्लाट दिए हैं और अगर उस प्लाट पे नहीं हुआ 7 पे और 7 देंगे, लेकिन हमारा भी यही धारणा है, हमारा भी यही विचार है कि स्विचिंग स्टेशन 4 नंबर के लिए बनना चाहिए, लेकिन स्वर्गधाम शमशान भूमि ट्रस्ट जो है उसमें अंदर अगर बनाते हैं तो एक बाजू स्वामी देव प्रकाश गार्डन है, एक बाजू स्वामी आत्माराम गार्डन है, अंदर स्टेचू लगे हुए हैं और जो राइट साइड में बोलते हैं पश्चिम उसको लग के समता नगर को जो अंदर रास्ता जाता है वहां पर झोपड़पट्टी है, तो ये मेहरबानी करके स्वर्गधाम शमशान भूमि में कहां पर भी स्विचिंग स्टेशन नहीं होगी। आप पूरे भारत में गूगल को सर्च कीजिए, देखिए अगर किधर भी स्विचिंग स्टेशन हो तो आप हमें दिखाइए। उस दिन स्वामी देव प्रकाश जी महाराज के पास हमारे नेतागणों ने मीटिंग रखी थी, अनफॉर्चुनेटली कोई काम की वजह से नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो 5-8 लोग थे उनको स्वामी देव प्रकाश जी ने हाथ जोड़ के बोला कि वह स्वर्गधाम शमशान भूमि छोड़ के बाकी आप कहां पर भी स्विचिंग स्टेशन बनाइए। तो अभी मैं सभी नेतागणों से, सभी पार्टियों से, हमारा कोई राजनीति नहीं, किसी भी पार्टी के लिए कोई विरोध नहीं, सभी हमारे भाई हैं, मैं सभी को विनती करता हूं। और मैंने जो पत्र दिया है या मैंने इंटरव्यू दिया है उसमें भी हमने यही बोला है कि हम सभी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तो मेहरबानी करके आप इधर भी स्विचिंग स्टेशन बनाए। कोई नाक का मुद्दा नहीं बना चाहे बनाया जाना चाहिए, जो शमशान भूमि है उस शमशान भूमि का जो उपयोग कई वर्षों से 40 वर्षों से आगे चलकर जब जनसंख्या बढ़ेगी तब इसी शमशान भूमि में सभी को एक दिन जाना है। और मेरा आपसे विनंती है, तथा आपसे विनंती है कि अगर संत महात्मा भी ये चाहते हैं कि शमशान भूमि को कम से कम इतने पूरे और कोई भी प्लाट पे रखिए, क्योंकि बिजली भी आवश्यक है, शमशान भी आवश्यक है। अजेंडा वर आला है, त्या विषयाच्या बाबतीत मी बोलू इच्छितो। या उल्हासनगर शहरामध्ये सुस्टेशन का झालं पाहिजे, कशासाठी झालं पाहिजे याचा सगळा विचार करून माननीय प्रशासनाने हा प्रस्ताव आणला, आणि त्या प्रस्तावामध्ये चर्चा करत असताना ज्या काही लोकांनी त्याच्यावर विरोध दर्शवला त्यांनी ऑब्जेक्शन घेतलंय, त्यांना माझं एवढंच सांगणं आहे की आपण या शहरामध्ये विजेचा प्रश्न फार गंभीर झालेला आहे, लोडशेडिंग कधी येऊ शकतं, ती लोडशेडिंग टाळण्यासाठी आपण सर्वांनी मिळून एकत्र येऊन हा सर्व विषय संपवला पाहिजे। जर या ठिकाणी सुस्टेशन नाही होणार किंवा झालं नाही पाहिजे ही जर तुमची मागणी असेल, पण ते झालं पाहिजे, ते कुठं झालं पाहिजे हा पण विषय समोर आला पाहिजे, आणि त्या ठिकाणी तो होऊ शकतो का, त्याच्यामध्ये काही अडचणी आहेत का, ती जागा जिथं होणार आहे ती शासनाची आहे का महापालिकेची आहे का, याचा सगळा विचार करून हा सुस्टेशन होण्यासाठी पुन्हा महासभेमध्ये इतर जागेवर होऊ शकतो याचा प्रस्ताव लवकरात लवकर प्रशासनाने आणला पाहिजे। आणि विजेचा गंभीर प्रश्न होत चाललेला आहे, त्या गंभीर प्रश्नातून लोकांना सुटका करण्यासाठी, लोकांचा मार्ग काढण्यासाठी, त्या रहिवाशांना दिलासा देण्यासाठी या सर्वांनी प्रयत्न केलं पाहिजे, जे विरोध करतात त्यांनी केलं पाहिजे, आणि आम्ही सर्व त्यांच्या बरोबर आहे, आम्ही त्यांना महापालिका अधिकाऱ्यांनी आणि महापालिका प्रशासनाने लवकरात लवकर दुसऱ्या ठिकाणी सुस्टेशन करण्यासाठी प्रस्ताव आणावा। विषय क्रमांक 3 की जानकारी दीजिए, कौन अधिकारी जानकारी देगा? लोकतंत्र की हत्या मत करिए, विषय क्रमांक 3 की जानकारी दीजिए, लोकतंत्र की हत्या न कीजिए, इससे आप जो आपका वर्चुअल मीटिंग है उसको सही ढंग से चलने दीजिए, दादागिरी और दमनशाही से मीटिंग मत चलाइए, लोकतंत्र की हत्या मत कीजिए, बोले दीजिए, थोड़ा सा कीजिए, खुलासा कीजिए, खुलासा कीजिए, हर बात का खुलासा होना चाहिए, महासभा घर के लिए होती है, खुलासा करने के लिए शहर के हक के बात करने के लिए, शहर के हक को नहीं बताओगे अधिकारी ना
आपको क्या तकलीफ होती है? अधिकारी को बोलना चाहिए, अधिकारी जवाब देंगे, आपको जवाब नहीं देना है। इस तरह से आप अगर जब तक या तो वोटिंग लीजिए, इस तरह से जब तक पूरा मुद्दा डिस्कशन नहीं होता है तब तक आप उसको पास करने की चेष्टा मत करिए सेक्रेटरी महोदय। विषय क्रमांक 3 पर हमें अधिकारी ने बताना चाहिए कि ये क्या किस चीज का मुद्दा लाए हो आप, अधिकारी ने हमको समझाना चाहिए। सेक्रेटरी महोदय, कोई भी सदस्य पर्सनल नहीं है, अधिकारी का काम है, अधिकारी बताएगा, किसी की पर्सनल नहीं बातें, डोंट से किसी का पर्सनल मैटर है, मेरा विषय नहीं है, खेल देख का विषय है, जिसमें अधिकारी को जवाब देना है। माहिती द्या, अधिकाऱ्यांना बोलवा, पाणी पुरवठ्याचे अधिकाऱ्यांना बोलवा, पाणी अधिकाऱ्यांना बोलवा, अधिकारीला बोलवा। चार सदस्य वोटिंग करो, ये तरफ चाहिए शिवसेना की वोटिंग मांग रहे हैं, सही पास कर रहे हैं इसे, वोटिंग करा, हम लोग वोटिंग की मांगनी करते हैं, वोटिंग की मांगनी करते हैं, वोटिंग करा, वोटिंग करा, वोटिंग की जाए, सभी सदस्यों ने वोटिंग की मांगनी की है, वोटिंग करा, हम लोग वोटिंग की मांगनी करते हैं, वोटिंग मांग रहे हैं, सही पास कर रहे हैं इसे, वोटिंग करा, हम लोग वोटिंग की मांगनी करते हैं, रिजेक्ट किया जाए या वोटिंग की जाए, ये रिजेक्ट किया जाए या वोटिंग की जाए, वोटिंग की मांग करता हूँ, करके दी है, नहीं चले बनाएंगे।
ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, स्टेशन बनाई जा रही है, उसमें हमारा विरोध है। ये दोनों बातें नहीं मंजूर होनी चाहिए। हमारे आवाज दबाया जा रहा है, इसके लिए शिवसेना का निषेध करती है। जबरदस्ती स्विचिंग स्टेशन का प्रस्ताव बिगर वोटिंग कराए, बिगर चर्चा कराए अगर पास किया गया तो शिवसेना सरकार का निषेध करेंगे। आमदार को पब्लिक सबक सिखाएगी, बालाजी की तरह आमदार को सबक सिखाया जाएगा। दादागिरी नहीं करेंगे। ये जो है महापौर भी चला दिया, ये श्रीकांत शिंदे और हमारे अलग मंत्री मीटिंग चलाते हैं, इस तरह से दादागिरी नहीं करेगी। ये जो दादागिरी है लोकतंत्र की हत्या है। हर एक सदस्य को बोलने का अधिकार है। ये दरवाजा बंद करके ऐसे विषय में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कहते हैं कि 500 फुट के घर को टैक्स माफ करेंगे, अपना वादा दिया था उन्होंने अपने वचन पत्र में। ये इनकी हिम्मत नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये लोग कुछ नहीं करेंगे और इस शहर को बेचने के लिए बैठे हैं। चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, सभागृह के अंदर चर्चा होनी चाहिए। शमशान भूमि का विरोध करते हैं और ये विषय डिफर किया जाए, ये विषय डिफर किया जाए। शमशान भूमि में नर्क भूमि नहीं बनाई जाए। ब्लास्ट हो सकता है, बहुत नुकसान हो सकता है। एक प्राणी आता है उसके साथ हजारों लोग आते हैं। अगर शमशान भूमि में अगर तुम लोग लाओगे तो गलत हो जाएगा। इसे एक विषय को डिफर किया जाए। और गोल मैदान में पार्किंग नहीं होनी चाहिए। लोगों के घरों के बाहर पार्किंग खुद की होनी चाहिए। शहर के बाहर के लोग आएंगे पार्किंग करेंगे और क्यों लोग कहां जाएंगे। हो सकता है शहर को पायलट करना पड़ेगा। हमारे गोल मैदान के लोग शहर छोड़ के चले जाएंगे। पार्किंग भी कहीं अवैध रूप से नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। प्रशासन ने जो विषय लाया है स्विचिंग स्टेशन का, वो नजर रखे। पिछले दो साल से उल्लासनगर में जो लाइट की समस्या है उस हिसाब से प्रशासन ने लाया था। एमएसबी का प्रशासन, महापालिका प्रशासन, उनको जो समझ में आया उन्होंने प्रस्ताव लाया था, लेकिन वहाँ हम लोगों का वहाँ विरोध है। तो जल्द से जल्द दूसरे का सब्जेक्ट जगह दिखाना चाहिए। तब तक के लिए विषय डिफर किया जाए, ऐसी हमारी विनंती है। ये जो 5 नंबर शमशान भूमि का जो मुद्दा आया है और स्विचिंग स्टेशन का, भविष्य में आने वाले प्रारंभ भर में और 5 नंबर में लाइट की दिक्कत हो सकती है, इसके लिए विभाग द्वारा मांगा गया है। तो पर इस पर बहुत सारे लोगों का विरोध था, यहाँ तक के स्वामी जन का भी विरोध था, पर इसके लिए आज इस मुद्दे को हम डिफर कर रहे हैं। और आने वाली महासभा में जो किशोर वनवाड़ी द्वारा जो भी प्लॉट सुझाए गए हैं, जगह सुझाई गई है, उन सबको लाया जाए और आने वाली महासभा में इसका पुनर्विचार किया जाए। तब तक ये मुद्दे को डिफर किया जाए। माननीय महापौर, माननीय आयुक्त साहब, उपमहापौर साहब, एक मिनट बताओ। जमनू जी एक मिनट हिंदू की बात करो। हिंदू मालूम नहीं होगा उसका हिंदू सचिव मैडम तुम्ही कसे काय बोलायला सांगणार? बोलायला महापौरांचा अधिकार तुम्ही कसा काय घेणार? सचिव मॅडम, माननीय आयुक्त साहेब, महापौर, महापौरांचा अधिकार आहे। महापौर मॅडम तुम्ही नाही सांगू शकत, महापौरांचा अधिकार आहे। महापौर मॅडम कधी काय पण सांगायचं? सचिव मॅडम, महापौरांनी बोला। कुठलीही दादागिरी आम्ही खपवून घेणार नाही। त्याला आम्ही आता तर सभागृहाच्या बाहेर करत होतो आम्ही विरोध। आम्ही रस्त्यावर उतरण्याची पण आमची तयारी आहे। आणि अशा दादागिरी करून कुठलाही विषय पास करू देणार नाही आम्ही। काय झालं नेमका विषय? काय पास झाला की विषय डिफर केला आहे पुढच्या महासभेत येणार? किती नगरसेवकांचा सपोर्ट भेटला आहे? संपूर्ण सर्वच्या सर्व यांनी त्याला सपोर्ट दिलेला आहे। मग ते आता तिथे स्विच सेंटर होणार आहे की नाही? आम्ही होऊ देणार नाही। आम्ही संतांचा मान ठेवतो, आमच्या नगरसेवकांचा आम्हाला मान आहे, त्यांच्या सपोर्टला आम्ही नेहमी राहणार।
देखिए, आप सभी पत्रकार भाइयों का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आप लोग हमें हर जगह पहुँचाते हैं, पूरे शहर को महानगर पालिका की असलियत दिखाते हैं। आज आपने सबने खुद देखा कि हम लोगों ने इतना विरोध किया शमशान भूमि में जो स्विचिंग स्टेशन नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो स्विचिंग स्टेशन अगर बनती है तो पूरे सिंधी समाज और सबसे बड़ी बात है हिंदू शमशान भूमि के अंदर आप स्विचिंग स्टेशन बनेंगे, कल को वहाँ पे एक साथ समझो कोई मैयत होती है और मैयत में 500,000 लोग जाते हैं, और कल को उस स्विचिंग स्टेशन में कोई भी आगजनी हुई, कभी भी फॉल्ट हुआ, तो कितने लोगों को नुकसान होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो संतगण हैं उनका भी ये मानना था कि ये कहना था कि वहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो हम लोगों ने जितना विरोध किया उसको देख के हमारी महापौर मैडम जो है उनको वह भी खुद संतों को पूछती है और बहुत अच्छी महिला है, हमारी माँ समान है, तो उन्होंने इस विषय को फिलहाल महानगर पालिका के जो टीपी है उनको आदेश दिया है कि जो किशोर वनवाड़ी जी ने और शेषाद और अंजलि मैडम ने जो भी जगह दी है उसको देख के वहाँ पे ये स्विचिंग स्टेशन शिफ्ट किया जाए, और संतों की जो है मान सम्मान देखते हुए महापौर मैडम ने आदेश दिया कि ये जो स्विचिंग स्टेशन है शमशान भूमि में नहीं बनेगा। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, और सभी जो हमारे भाई हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो भी भाई जिन्होंने विरोध भी किया और जिन्होंने सिग्नेचर दिए सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।